देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग वही 11 मई को होगी। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। वही आज पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा 6 बजे के बाद। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रत्याशी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारी प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर प्रतापगढ़ पहुंची, जहां नगर पालिका परिषद बेलहा वार्ड संख्या 14 चलवेला से भाजपा की सभासद प्रत्याशी कमला देवी और उनके पति पवन कुमार मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए वो नजर आएंगे। साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है, ये तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। तो वार्ड नंबर 14 चलबिला से पेश करें अपनी दावेदारी। आपको बता दें कि कमला देवी, उनके पति पवन कुमार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। नगर संग्राम में नगर पालिका परिषद बेलहा का चुनाव दिलचस्प देखने को मिल रहा है। प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन कुमार जी। पवन जी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने राजनीतिक सफर में कैसे आपकी शुरुआत हुई और अभी तक कैसा आपका सफर रहा है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। करके भोजन बनवाकर गांव-गांव झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर जो है उनके घर घर पहुंचाते थे हम लोग। उन्हीं लोगों ने हमें प्रेरित किया, भैया आप आगे आइए, आप जैसा कोई आदमी जो है सेवा नहीं कर सकता हम लोगों की, इस वजह से जरा सा हम समाज सेवा की दृष्टि से जो है ये राजनीति में आगे आए हैं जो है जी। पवन जी, कमला देवी आप, आपकी पत्नी है, सभासद पद की दावेदारी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जनता, यहाँ की चिलबिला वार्ड नंबर 14 की जो भी हमारी संभ्रांत नागरिक और जनता मतदाता हैं, वो हमारे बारे में हमारे से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो हमारे कामों को देखते हुए और आगे भी हमारी जो है सोच जो है बहुत हट के है। हम चाह रहे हैं कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको सरकार द्वारा जो आवास उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी बिना मेरी प्राथमिकता है। शौचालय का व्यवस्था करना, यहाँ एक शौचालय बना हुआ है उसमें भी हर समय ताला बंद रहता है, मतलब लोग काफी बाहर से, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है प्रतापगढ़ की जो है मेन मंडी है, लेकिन यहाँ बाहर से लोग आते हैं और काफी राहगीर भी आते हैं जिसमें हमारी माताएं बहनें भी आती हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सब देख के जो है इन सब समस्याओं को मैं पहले निराकरण करूंगा जो है जीतने के बाद। पवन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, तो आपका कौन है? हमारा मार्गदर्शक स्वयं जो है ये जनता की जो है आशीर्वाद है, ये जनता ने ही हमको जो है उस काबिल समझा है, आगे बढ़ाया है, उन्हीं के इशारे पे हम चल रहे हैं और उनकी जो उनकी सोच है उस पर हम खरा उतरेंगे जो है। हम लोग वैसे भी यहाँ समिति हम लोगों की चलती है, उस माध्यम से हम लोग जो है 2-3 गरीब आदमी लड़कियों की शादी कराया है, ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग हर 4-5 महीने और उसके बाद जो है ये आपका जो है किसी का गरीब आदमी का कोई मतलब अंतिम क्रिया होती है उसमें भी हमारी समिति सहयोग करती है और भी कई तरीके के सामाजिक कार्य हैं जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी पवन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीतिक सफर में अब तक कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है? राजनीतिक सफर में हम सबसे ज्यादा जो है अपने ये जो यहाँ पर हमारे वार्ड में काफी समस्याएं हैं उनको जो ये कंडीशन है, हम लोग जो है स्वयं जो है निकल के जो है डोर टू डोर सफाई करवाते हैं मोहल्ले में। मोदी जी का जो अभियान है सफाई अभियान, हम लोग खुद जो है उसमें जुटते हैं, सहभागिता करते हैं और हमारी टीम पूरी 10 मेंबर की टीम है हमारी, पूरा समाज सेवा की दृष्टि से जो है हम लोग विद्रा आश्रम मोहल्ले में है, वहाँ भी जो है जो घर से प्रताड़ित किए जाते हैं हमारे माता पिता समाज, उनको जिनके रहने के लिए पूरी व्यवस्था में हम लोग लगे रहते हैं। अभी हम लोग अभी 1 हफ्ते पहले जो है भागवत कथा का आयोजन सप्ताह बैठाए थे, उसके बाद वहाँ भंडारा करवाए हम लोग,
ये हमारी जो टीम समिट जो है सब मिलजुल के कर रही है। जो पवन जी, जब आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता ऐसी कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आपसे बता रही है कि इसका निस्तारण करना चाहिए? जनता की समस्याएं अभी काफी काम यहाँ पे अधूरे पड़े हुए हैं, उनको जो उसी के लिए लोग कह रहे हैं सड़क का सफाई और ये नाले अभी काफी ऐसी एक मतलब उधर पूछे संवन टोला में जो है ये गढ़ी है, उधर आने जाने के लोगों को रास्ता नहीं है, पानी उसमें भरा रहता है, तो वहाँ रोड बनवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। और जो है कई नए यहाँ जो सीमा विस्तार हुआ है उसमें जो है काफी जो है भी हमारी नगर पालिका की जो वो है वो पहुंच नहीं पाई है सुविधाएं, उसको पहुंचाना और अपनी बाजार का सौंदर्यीकरण और ये मेरा प्रमुख मुद्दा है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना। जी पवन जी, तो आप जनता के बीच जाते हैं, वहां पर आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप ऐसी कौन कौन से कामों को प्राथमिकता देंगे जो जीतने के बाद आप करना चाहेंगे? हमारी जो है सबसे पहले जो है गरीबों की सुरक्षा, माँ बहनों की सुरक्षा और बाजार में व्यापारियों की सुरक्षा और समाज जो भी काम हमारे करने के रूप में रहेगा उसको जो है पहली प्राथमिकता देना, ये सब मेरा जो है मेन मुद्दा है जो है। और ये क्या नाम है, सुलभ शौचालय और जल की व्यवस्था, यहाँ जल की समस्या बहुत गंभीर चल रही है, हर घर जल पहुँचाना जो है ये मेरी प्राथमिकताओं में मेन बिंदु है। तो आप चुनावी मैदान में हैं पवन जी, आपका एजेंडा क्या है, किन किन एजेंडों को आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हाँ, हमारा एजेंडा यही है, सबका साथ सबका विकास, यही मेरा प्रथम प्रयास। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में पवन जी? शिक्षा जो है, हम ये जो गरीब बच्चे हैं यहाँ हमारे बगल में जो झोपड़पट्टी काफी बच्चे रहते हैं वो स्कूल नहीं जा, स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, उन लोगों को जो है सबसे पहले जो है प्राइमरी पाठशाला में जहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था है सरकार की तरफ से उसमें उनको डालना। और जो है स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, एम्बुलेंस चल रहा है, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, बाकी हमारे पास जो भी वो आएगा उसके लिए हम स्वयं प्रयासरत रहेंगे जो है जो भी हमसे हो सकेगा। पवन जी, युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? युवाओं के लिए जो है एक वो बनाएंगे हम लोग टीम जो है, उनका मार्गदर्शक अच्छे से हो और वो लोग अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र से जो है उनको और आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर जो है हर हाथ में रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पवन जी करें, नगर पालिका सब उनको मदद करेंगे, जो होगा उनको किया जाएगा, उनके लिए पूरा प्रयास एकदम रहेगा। पवन जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कैसा अनुभव रहा है आपका और कैसा आप महसूस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का अनुभव, जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दिए हैं और उनका जितना भी प्रयास है देश के लिए जो है वो कितना भी कर दे जो चाहिए हमारे देश को उस प्रयास पर वो लगे हुए हैं। आज उन्हीं की देन है कि हमारा देश जो है विश्व में चौथे स्थान पे आया है और विश्व काम उन्होंने किया है, जहां भी जा रहे हैं अपना भारत देश का जो है सम्मान बढ़ा है। पवन जी, कामों से उनके प्रेरित होकर मैंने भाजपा को जो है लाइक किया है, हमारे योगी जी मोदी जी इन दोनों के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश काफी विकास कर रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। पवन जी, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो गरीबों और सहायों के लिए दी जाती हैं सरकार की तरफ से, जो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या आपके क्षेत्र में वो सुविधाएं पहुंची है? सिर्फ नाम मात्र पहुंची है, बस जो चाहिए वो किसान जो उसके हकदार है उनको नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिए जो है वो अपने सिस्टम से पैसा लेकर वो करके कर रहे हैं, वही यही सब देख कर जो है मैं राजनीति में कदम रखता हूँ, समाज सेवा ठीक है कर रहा हूँ मैं, लेकिन राजनीति में रहूंगा थोड़ा हमको वो मिलेगा, पावर मिलेगा, तब मैं स्कूल के जो है अधिकारी और दूसरे जो है योजनाओं को लाकर जो जिसके लायक है उसके घर तक पहुँचाऊंगा मैं। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं जो आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरा देश जानता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही हम लोगों का प्रथम प्रयास।
पवन जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी जनता बताती है आपके क्षेत्र में कि इसको सबसे पहले करना चाहिए? और शिक्षा स्वास्थ्य देखिए एक अहम मुद्दा होता है, स्वास्थ्य को लेकर जब आपके क्षेत्र में जल भराव होता है तो कई सारी बीमारियां पनपती हैं। इसके लिए जो है दवाओं का छिड़काव और जो है जो जनता की समस्याएं, हम एक डायरी लेके निकलते हैं, जिस जिस मोहल्ले में जिस वार्ड एरियल जाते हैं सबकी समस्या में लिख रहा हूँ। अब जैसे उधर ये मस्जिद है, वहाँ का नाला खुला हुआ है, सब टूट गया है, वो मेरी पहली प्राथमिकता में है बनवा रहा। कब्रिस्तान में जो है बैठने की, अब पूरा चिलबिला बाजार इतना बड़ा है लेकिन कहीं भी हमारे यात्री या कोई राहगीर आते तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हम वहाँ पर कुर्सी रखवाएंगे। मार्केट में फिर लोग आजकल पैर से हर आदमी पीड़ित है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, थोड़ी देर खड़ा नहीं रह पा रहा है, इसलिए जो है ये सब व्यवस्था जो है और भी जो हमारी बाजार वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं उन सबको दूर करना मेरा जो है प्रथम प्रयास रहेगा। पवन जी, आप चुनावी मैदान में हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? हमारी यहाँ किसी से वो नहीं है, जनता एक तरफ से जो है पूरा पूर्ण समर्थन दे रही, पार्टी से सिर्फ मैं खड़ा हूँ, बाकी निर्दलीय खड़े हैं और वो भी जो है पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण जो है वो किए हैं अपना नामांकन, बाकी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। ये उनकी जिद है लड़ना कि हमको निर्दलीय तो हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास है, घर घर शौचालय है, क्षेत्र में कितना पहुंचा है ये सारी सुविधाएं? नाम मात्र पहुंचा हुआ है, सिर्फ कहने के लिए है, बेचारे जो उनके हकदार हैं वो कागज लेके टहल रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं चाहिए उनको मिला है। अब यहाँ के जो इसके पहले सभासद थे उनके परिवार में खुद जो है 5 आवास गया है, खुद उनके स्वयं के परिवार है, और जिनको मिलना चाहिए जो है वो बेचारे जो है कागज लेके टहल रहे हैं, ऑनलाइन चक्कर लगा रहे हैं, साइबर कैफे पे जा रहे हैं, बस हो गया है आ जाएगा, लेकिन वो कागज लेके सब टहल रहे हैं जो है। यानी कि पवन जी, अगर आपको जनता का समर्थन मिलता है तो वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो है गरीबों और असहायों तक पहुंचेगी। 4-5 ऐसे काम बता दीजिए जो आप अपनी प्राथमिकता में रखते हैं इसको लेकर। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले डोर टू डोर सफाई अभियान, दूसरा जो है हर घर को जो है स्वच्छ जल, तीसरा जो है ये क्या नाम है ये सरकार का आवास योजना है जो उसके हकदार है उनको दिलाना, और 2-4 काम और हमारे मोहल्ले में है जो है वार्ड में उसको जो है पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी जो है। पवन जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपने हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं आपका बेटा मैदान में खड़ा है, इसीलिए मैंने पहले से नारा लगाया हूँ मैं नेता नहीं बेटा हूँ। आप लोग अपने बेटे को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, जो निर्दलीय लोग खड़े हैं उन लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ की जनता जो है कैसे आदमी को या कैसे व्यक्ति को पसंद चुनना चाहती है, जब हमारा मन पत्र खुले उसमें जो है हमारा आप सबका आशीर्वाद अपने प्यार हमें पूरा मिले, बस यही मेरी अपने वार्ड के जो है माता पिता और सभी सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है। पवन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आप कैसे विकास की गाथा लिखना चाहते हैं? देखिए ये कहे हैं सब हमारे जो मोदी जी हैं उनका कहना, मोदी जी जब राजनीति में आए थे उसके पहले चाय बेचते थे, वो किसी राजनीति से नहीं, लेकिन जब से वो राजनीति में आए हैं तब से जो है वो धीरे धीरे सीढ़ी भी चढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, आज विश्व की ऊंचाई पे पहुंच गए जी। तो हम उन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहे हैं। अभी मैं पहली बार जो है राजनीति में, अभी तक मैं समाज सेवा कर रहा था, राजनीति में आया हूँ और उसके बाद जो उन्हीं के सिस्टम से मैं चलूंगा, जो भी योजनाएं हमारे लिए रहेगी वो हम जनता तक पहुंचाएंगे अपनी जो है। आप जब महिलाओं के बीच में जाते हैं तो महिलाएं ऐसी कौन सी समस्याएं आपको बताती हैं कि जिसको लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण कर देना चाहिए? हमारे वार्ड में जो है महिलाओं की ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस यही जो है जैसे जिसके दरवाजे पे नाली साफ नहीं हो रही है या सड़क सही नहीं, बस बोलते थे भैया यही सड़क बनवा दीजिए आप, ये नाली हमारी यहाँ वहाँ करा दीजिए, पानी यहाँ भरा रहता है, तो हम पूरा एकदम सब कामों को पहली प्राथमिकता में रखेंगे अपने जो है माताओं की जो है, और बाकी सुरक्षा की दृष्टि से
योगी जी की सरकार में कोई ऐसी बात नहीं, सब सुरक्षित हैं, कानून जो है अपना काम कर रहा है। पवन जी, जाते जाते आप अपनी प्यारी जनता से एक बार क्या कुछ फिर कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर हम अपनी प्यारी जनता और दर्शकों से ही कहना चाहता हूँ, जैसे अभी तक आप हमें पूरा प्रचार में समर्थन और सहयोग किया है, उसी तरह 4 तारीख को मतदान के दिन जो है अपना पूरा समर्थन अपने इस बेटे पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। तो नगर संग्राम में आज हमारे साथ थे पवन कुमार, जो वार्ड नंबर 14 चिलबिला से उनकी पत्नी कमला देवी दावेदारी पेश कर रही हैं। क्षेत्र में जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, उन्होंने समाज में एक अलग छवि बनाई हुई है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, प्रत्याशी भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम पार्टियां प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, उनके विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।